Hello friends, welcome back. I hope everybody you are fine. My dear students, today in this video I'm going to explain you the angular distance. In my previous video I have explained you about the parallels of latitudes. हमने parallels of latitude क्या होते हैं वो हमने पिछले वीडियो में देखा. अब ये जो वीडियो में है, इस वीडियो में मैं आपको जो figure number 1.8 है वो आपको बताऊँगा. Now see here, यहाँ पर मैंने एक फिगर को ड्रॉ किया है. ओके, ये फिगर इसी तरीके से आपको भी ड्रॉ करनी है जैसे मैंने निकाले हैं ओवल शेप का. ये जो है ये आपको निकालना है. ओके, और वहाँ पर लेबल भी देना है, नाम देना है. ये तीन जो सर्कल है वो सर्कल आपको इस अर्थ को अर्थ पर निकालने हैं, इस ग्लोब पर निकालने. जैसे मैंने यहाँ पर ग्लोब या जो अर्थ की जो फिगर है जो ड्रॉ की है उसी तरीके से आपको कॉपी डाउन करना है आपके नोटबुक में. और यहाँ पर वो सारे नाम भी देने हैं, ए बी सी, इसके बाद डी ई एफ और जी एच आई. अभी ये यहाँ पर जी है. ओके, तो जी एच आई ये ऐसे नाम भी देने हैं. यहाँ पर 50 डिग्री लिखना है, 50 डिग्री लिखना है, 50 डिग्री लिखना है. ओके, उसके बाद हम ये सारी जो फिगर है इसको कंपैरिजन करेंगे, इसका कंपेयर करेंगे. यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिखा है, लिखा हुआ है. देखो आप, इन फिगर नंबर 1.8 अगर आप केयरफुली इस फिगर को ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या नज़र आएगा कि यहाँ पर तीन एंगल नज़र आएंगे. पहला जो है एंगल कौन सा है, ए बी एंड सी. यहाँ पर नज़र आ रहा है ए बी और ये सी है ना, ये एक एंगल हो गया. दूसरा है एंगल डी ई एफ, दूसरा है डी ई एफ आ गया. उसके बाद तीसरा जो है एंगल जी एच आई, जी एच आई, ये देखो जी एच और आई, ये तीन एंगल हो गए अलग अलग. इसको हमने नाम भी दिए वाले हैं, इसी तरीके से आपको नोटबुक में ड्रॉ करनी है. ओके, देखो द फिगर 1.8 एंगल ए बी सी एंगल डी ई एफ एंगल जी एच आई हैव द सेम मेजरमेंट दैट इज 50 डिग्री. अगर हमने केयरफुली इसको ऑब्जर्व किया तो हमें क्या पता चलेगा कि इसका जो मेजरमेंट क्या है, सेम ही है, 50 डिग्री, 50 डिग्री और 50 डिग्री. ओके, जो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, डी एंड एफ एंड जी एंड आई आर डिफरेंट. लेकिन अगर हम, ये तो हो गया उसका जो मेजरमेंट, ये एंगल का अगर हम मेजरमेंट देखा जाए तो एंगल का जो ये है मेजरमेंट सेम ये है, 50 डिग्री है. लेकिन उसी तरीके से अगर हम ए का हम देखेंगे, ए कहाँ पर है, ये यहाँ पर ए है. उसके बाद अगर हम डी की सी की तरफ आते हैं, ये सी है यहाँ पर. ओके, यहाँ पर सी है और ये यहाँ पर डी भी है. उसके बाद आएगा यहाँ पर एफ, ओके डी एफ, और उसके बाद जी और आई. इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो इसका जो अंतर होता है या इसका जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट है. इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न एक ही है कि हमारी जो अर्थ है वो स्पेरिकल है. शेप कैसा है उसका, हमारे अर्थ का, हमारे अर्थ का तो स्पेरिकल है. इस वजह से ये जो डिस्टेंसेस है, जैसे वो डिस्टेंस यहाँ पर बताए ए एंड सी डी एफ एंड जी एंड आई, ये इनके जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है. इसका रीज़न क्या है कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ कैसी है, स्पेरिकल है. अब देखो जो सेमी सर्कल है मैंने निकाला है, ड्रा अ सेमी सर्कल दैट पासेस थ्रू सी एंड जॉइन द नॉर्थ एंड साउथ. ये नॉर्थ और ये साउथ, और यहाँ से सी से गुजरता हुआ एक सेमी सर्कल निकाला है. ओके, अभी उसके बाद क्या करना है, ड्रा अ लाइन दैट पासेस थ्रू पॉइंट ए एट 0 डिग्री. अभी एक ऐसा निकालना है आपको, ए एट 0 डिग्री से पास करता हुआ, केयरफुली आपको ड्रॉ करना है. ओके, इस तरीके का. ओके, इस तरह का आपको क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन दैट पासेस थ्रू पॉइंट ए एट 0 डिग्री एंड जॉइन द नॉर्थ एंड साउथ. ये ऐसा हमने कर दिया, यहाँ पर आपने लिखा है. ओके, जो भी इसका मेजरमेंट आएगा ये आपको यहाँ पर लिख देना है.
तो हमें क्या क्या भी मिल रहा है यहाँ पर देखो ए एम बी, यहाँ पर देखो ए एम सी एक एंगल मिल गया हमें, ए एम और ये सी मिल गया है ना। तो एक्सप्लेनेशन मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड यू विल रियलाइज दैट लाइन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स ए बी एंड सी मेक एंगल्स एट एम द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑन द प्लेन ऑफ द इक्वेटर। ओके वो जो फिगर दी थी फिगर के जरिए यू विल रियलाइज दैट द लाइंस रन फ्रॉम पॉइंट्स ए बी एंड सी मेक एंगल एट एम। जो हमने ए बी सी जो ऑलरेडी निकाला हुआ था इस वजह से क्या हुआ एक एंगल बन गया। ओके जो सेंटर किसका था एम पॉइंट का द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑन द प्लेन ऑफ द इक्वेटर। थ्रो दिस पॉइंट्स वी कैन ड्रॉ सेमी सर्कल जॉइनिंग बोथ द पोल्स स्टार्टिंग विद पॉइंट ए। वी कैन ड्रॉ सिमिलर सेमीसर्कल्स थ्रू पॉइंट्स प्लेस्ड एट ईच अदर ईच डिग्री। दिस सेमीसर्कल्स आर नोन एज मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। और जो भी वो सेमीसर्कल थे इधर का अगर हमने देखा जो बी और बी से गुजरता था सी से गुजरता था और नॉर्थ और साउथ पोल को क्या होता था ज्वाइन होता था उन सभी को जो भी वो सेमीसर्कल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड। लॉन्जिट्यूड के क्या होते हैं मेरिडियंस मेरिडियन क्या होते हैं लॉन्जिट्यूड क्या होते हैं ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। वरना दिस मेरिडियंस इज कंसिडर्ड टू बी जीरो डिग्री इट इज नोन एज द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन की डेफिनेशन मैंने दी है प्राइम मेरिडियन क्या होता है मैंने बताया प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर ये भी आपको बताया गया है। द एंगुलर डिस्टेंसेस ऑफ द अदर मेरिडियंस जो एंगुलर डिस्टेंसेस है जो दूसरे मेरिडियंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन आर मेजर्ड इन डिग्रीज एंड आर कॉल्ड लॉन्जिट्यूड। जो मेरिडियंस होते हैं वो डिग्री में काउंट किया जाता है जिनको लॉन्जिट्यूड कहते हैं। यू हैव डन दिस इन द एक्टिविटी बेस्ड ऑन फिगर नंबर 1.9 द 0 डिग्री एंड 180 डिग्री मेरिडियंस लाई अपोजिट ऑन द ग्लोब फॉर्मिंग अ सर्कल। दिस सर्कल डिवाइड्स द अर्थ इनटू द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ऑल मेरिडियंस आर इक्वल इन साइज। एक बात याद रखो जैसे मैंने ऑलरेडी आपको जो फिगर है फिगर को एक्सप्लेन मतलब मैं एक्सप्लेन करने से मैंने बताया था सपोज ये जो फिगर है ओके दिस इज अ फिगर ये ग्लोब है सर। अब यहाँ पर क्या दिया है देखो दिस सर्कल डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अभी ये जो है बीच की जो लाइन होती है सेंटर की इसको कहा जाता है प्राइम मेरिडियन और ये जो ऐसे होते हैं ये क्या होते हैं ये मेरिडियन होते हैं। एक हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरा हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। आगे बात समझिए ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है कौन डिवाइड करता है प्राइम मेरिडियन जो होता है अर्थ को दो भाग करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर और उनकी जो साइज होती है साइज क्या होती है इक्वल इन साइज। ओके नेक्स्ट मेरिडियन इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर जो मेरिडियन होते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आर लेबल्ड देखो मेरिडियंस इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर ईस्टर्न हेमिस्फीयर के जो भी मेरिडियंस होते हैं आर लेबल्ड एज 10 डिग्री ईस्ट 25 डिग्री ईस्ट 135 डिग्री ईस्ट ईटीसी। व्हाइल इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर दे आर लेबल्ड एज 10 डिग्री वेस्ट 25 डिग्री वेस्ट 135 डिग्री वेस्ट ईटीसी। इसको जब हम ये लिखते हैं तो ये कैसे लिखा जाता है 10 डिग्री ईस्ट 25 डिग्री ईस्ट 135 डिग्री ये जो पॉइंट होता है पॉइंट को डिग्री कहते हैं। ओके ईटीसी व्हाइल इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर दे आर लेबल्ड एज 10 डिग्री वेस्ट 25 डिग्री वेस्ट 135 डिग्री वेस्ट ईटीसी एंड 30 डिग्री ईस्ट ई इज द सेमी सर्कल दैट जॉइंस ऑल द प्लेसेस एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। सम ऑफ देम आर सैरो एंड हरारे। अब सैरो और ये जो हरारे हैं ये जो प्लेसेस है वो अगर आप पेज नंबर आपको एक फिगर दी वाली है फिगर नंबर 1.6 इस फिगर में बताया गया है सैरो। ये सैरो जो है इजिप्ट की राजधानी है द कैपिटल ऑफ इजिप्ट एंड हरारे द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे।
जीरो देंगे और ये इजिप्ट की राजधानी है, कैपिटल है। तो ये आपको इस फिगर नंबर आप देखो 1.6 फिगर है, इसमें ये दो प्लेसेस को बताया गया है। तो दिस अर्थ इज ह्यूज इन साइज, ऑलरेडी हमने देखा है पहले ही वीडियो में देखा है कि अर्थ जो होता है वो बहुत बड़ी साइज में। वी कैन गेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑन द अर्थ यूजिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। देखो अगर हमें किसी भी जो प्लेस है, किसी भी प्लेस की हमें एग्जैक्ट पोजिशन या लोकेशन को पता करना है तो हमें जरूरी होता है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड उसका पता हो। नोट दैट द डिस्टेंस इज बिटवीन टू एडजस्ट पैरेलल, एडजस्ट पैरेलल मींस उसके नेबर की मतलब सिमिलर, बिटवीन टू एडजस्ट पैरेलल इज द सेम एवरीवेयर बट द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजस्ट मेरिडियन इज नॉट द सेम एवरीवेयर। देखो जो एडजस्ट पैरेलल होते हैं वो सेम होते हैं लेकिन जो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजस्ट मेरिडियंस इज नॉट द सेम एवरीवेयर। वी कैन सी दिस इवन ऑन द सेगमेंट ऑफ एन ऑरेंज। द डिस्टेंस बिटवीन द मेरिडियंस इज द मैक्सिमम ऑन द इक्वेटर एंड गोज ऑन रिड्यूसिंग टुवर्ड्स द पोल्स, एट द पोल्स इट इज जीरो। जैसे जैसे हम ये पोल की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे इसकी साइज क्या हो जाती है, कम कम हो जाती है, है ना। Hello friends, welcome back. I hope everybody you are fine. My dear students, today in this video I am going to explain you gratitude. अभी तक हमने ग्लोब के बारे में देखा, अभी gratitude क्या होता है तो देख लो। ये यहाँ पर आपको फिगर दिख रही है, ये फिगर किसकी है, gratitude। Okay, now look, parallel figure number 1.10, the gratitude, the parallels and meridians on the globe form a net that is called a gratitude. ये क्या है gratitude की definition, gratitude किसे कहते हैं, तो जो parallels and meridians होते हैं, okay, parallels और ये जो है parallels और ये जो meridians है इसको, इसकी वजह से क्या होता है, एक net form किया जाता है, उसको gratitude कहते हैं। जैसे हम चक्रजाल कहेंगे, these facilities determine the location of place और ये जो है ये जो parallels और meridians है मदद से ही हम किसी भी लोकेशन का पता कर सकते हैं। दिस वी यूज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड फॉर डिटरमाइनिंग द लोकेशन, किसी भी लोकेशन को डिसाइड करने के डिटरमाइन करने के लिए इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का प्रयोग किया जाता है। एंड दिस मेथड इज बीइंग यूज्ड इवन टुडेस मॉडर्न एज क्वाइट इफेक्टिव। आज की इस मॉडर्न एज में हम इस जो सिस्टम है, जो मेथड है, इसको हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीआईएस कहा जाता है, या ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जिसको जीपीएस, जीपीएस आप सबको पता है, जीपीएस हम यूज करते हैं। तो जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम एंड ऑल्सो गूगल मैप। गूगल मैप पे होती है, विकि मैपिया पे है या गूगल पे है, गूगल ऑफ इसरो ऑन द इंटरनेट ऑल्सो यूज मेक यूज ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। दिस टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन मोबाइल फोन्स एंड मोटर कार्स। ये टेक्नोलॉजी आप सभी को पता है, हम मोबाइल पे यूज करते हैं हमारे मतलब इंटरनेट के जरिए, मोटर कार पे होती है, मोबाइल पे होती है, गूगल मैप होता है ना, सब लोग गूगल मैप को यूज करते हैं। सो दिस इज अबाउट द अर्थ एंड द ग्रैटिट्यूड। ये जो चैप्टर था, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने ग्रैटिट्यूड के बारे में पढ़ा है, ओके, लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा है, लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा है, प्राइम मेरिडियंस के बारे में पढ़ा है, पैरेलल्स के बारे में पढ़ा है। वो सारा आपको वीडियो अच्छे तरीके से देखने हैं, एक बार फिर से मुझे ये जो चैप्टर है इसको रीड करना है, इसके वीडियो इसके बाद के वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा। ओके, थैंक यू।